हेलो, कहिए कैसे हैं। और एक बात बोलूं, समझ समझ मतलब जानते हैं, तीन अक्षर का समझ होता है ना, समझ समझ है ना। समझ का मतलब क्या होता है पता है? अच्छा भी समझ सकते हो, बुरा भी समझ सकते हो। ये किस पे निर्भर करता है? आप पे। अगर मान लो जैसे कोई आपको कोई बात बोला, कोई भी एक्सपोजिट, कोई भी आपको कोई बात बोला, अब आप पे निर्भर करता है कि आप उसकी बात को सही समझते हो या गलत समझते हो, या किस एंगल से देखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उस व्यक्ति ने तो आपने कोई कुछ बोला तो आपको रिप्लाई दे दिया, पर आपका माइंड में है कि आप उसको अच्छा से लेते हो या गलत लेते हो, आपके सोच होता है ना। तो ये जो सोच हमारी है ना, ये कभी कभी हमें इतनी दूर तक ले जाता है ना, ये सोच, जो कि बनते बनते काम भी ना हमारा बिगड़ जाता है ना। तो ये जो सोच कहते हैं ना, ये सोच अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। सिर्फ समझ का एक फेर होता है ना, जो कि आज के समाज में देखा जाए ना, तो शायद नहीं, ये बिल्कुल कहीं खो गया है ना। जैसे कि आप या तो रिलेशन में ले लो, या आप अपने काम के दौरान ले सकते हो, या स्कूल लाइफ होता है आप उसमें ले सकते हो, है ना, या जॉब के दौरान आप जो भी चाहो, या एक दूसरे की दोस्ती होती है आप उसमें भी ले सकते हो, आप जैसे भी चाहो आप उसको समझ सकते हो, है ना। तो अगर समझ नहीं होगा ना एक दूसरे के प्रति, तो आप उसको लाख भी समझाओगे ना, तो आपकी बात को वो बुरा ही मानेगा, वो अच्छा नहीं मानेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि आप चाहे कितना भी अच्छे काम कर लो, है ना, कितने भी अच्छे काम कर लो, कुछ भी बताओ, कुछ भी समझाओ सामने वाले को, पर वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके ये जो माइंड का जो ये माइंड है ना, उसने समझ रखा है कि हमको यही काम करना है तो यही काम करना है। अब लोग उसकी बात क्यों मानेंगे, ये भी बात है। कुछ लोग कहेंगे कि लोग क्यों माने, क्यों मानेंगे, क्योंकि उसके पास पावर है, पैसा है, रुतबा है। तो जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोगों में सिर्फ उन्हीं की लोग बातें मानेंगे, आपकी लोग बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं। आप अगर सच भी बोलोगे ना, तो भी आपकी बात लोग नहीं मानेगा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि आजकल का जो समाज है ना, सिर्फ पैसों की भाषा समझता है। जिसके पास पैसे होंगे ना, जिसके पास कुछ स्टेटस हो, कुछ रुतबा हो, उसकी बात को लोग फॉलो करते हैं, उसकी बातों को लोग सुनते हैं। जैसे कि हम हैं, हम कुछ भी बोलेंगे तो आई थिंक कोई भी नहीं समझेगा, ना ही मानेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ज़्यादा कह सकते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, या मेरे ज़्यादा व्यूज नहीं है, ऐसे आप कह सकते हो, एक तरह से आप ये भी ले सकते हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे जो मुझे लगता है कि मुझे जो बातें बोलनी है वो मैं बोलती हूँ और मैं बोलूँगी, इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी को पसंद है तो देखेंगे, पसंद है तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर पता है लोगों में ऐसे नहीं होते हैं, लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। जिस दिन ये रिएक्ट करना छोड़ देंगे ना, उस दिन जो आपके वो रुतवा वाले पैसे होते हैं ना लोग, जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपको बात बात पे जलील करते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, आप जिस दिन उनकी बातों को फॉलो करना छोड़ दोगे ना, जिस दिन उनकी बातों पे आप कोई रिलैक्स कहते हैं ना, आप जवाब देना छोड़ दोगे ना, उस दिन वो इंसान अपने आप समझ जाएगा कि हाँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हम लोग जो समाज है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम रहते उसी समाज में है ना, और मिडिल परिवार में जो होता है ना, आप अगर एक बात भी किसी को बोलोगे ना, तो वो दिल पर जरूर ले लेगा, चाहे हम हो चाहे वो आप हो, है ना। पर नहीं करना चाहिए, अगर कोई दिल किसी का दुखाता है ना, तो गलत है, नहीं करना चाहिए। देखिए, पैसे आते ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कुछ भी हो। अंबानी भी क्या अचानक से बने थे, उन्होंने भी कितने संघर्ष किए थे, पर फिर भी आज भी वो कितने सिंपल रहते हैं। आप सभी भी देखते होंगे, है ना, कहीं भी उनकी शादी, अभी आज फिलहाल में देखिए उनके बच्चों की शादी हुई, फिर भी वो कितने सिंपल थे। पर आजकल का लोगों को देखिए, जरा सा पैसे आएंगे ना और थोड़ा सा स्टेटस बदल गया, सुधर गया, तो लोग अपने आप में इतने चेंज करेंगे, इतने चेंज करेंगे, चाहे महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, किस लिए? सिर्फ दिखावा के लिए। पर जो अंदर से जो है ना, अंदर की बात, उसकी तो क्या बातें कहूँ मैं, है ना। तो ये होता है रुतवा, ये होता है स्टेटस। तो मेरे नज़र में ये सब बेकार है, ठीक है। आपको अगर कोई कुछ भी बोले ना, मत करो, मत सोचो, ठीक है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये लाइफ आपका है,
ईश्वर ने आपको दिया अच्छे काम करने के, दूसरों को बातें सुनने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए थोड़ी ना टाइम बर्बाद करने को दिया है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, कौन क्या करता है ये छोड़ दो सोचना, ठीक है ना। तो यही कहना था। मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी जब मैं आस पास सुनती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी लोग एक दूसरे से ऐसे एटीट्यूड से बातें करते हैं, इस तरह से लगता है कि भाई जो हूँ सो मैं हूँ, है ना। आजकल की सोसाइटी ये हो गई है कि जो हूँ सो मैं हूँ, ये जो अहम अहंकार होता है ना, मैं, ये जो अहंकार है यही इंसान को ले डूबता है। पर हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, है ना। हम कौन होते हैं किसी को बोलने वाले, हम सिर्फ अपना काम है वो हम काम कर सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले पे हैं। तो इसलिए कौन क्या कहता है, आपके बारे में क्या सोचता है, छोड़ दीजिए, सिर्फ आप अपना काम करिए। तो यही कहना था। कहने को तो मुझे बहुत कुछ था पर ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि वीडियो फिर लोग भी बोलेंगे कि ये बहुत बोलती है। पर पता है मेरा, जब मेरे मन में होता है ना, तब मुझे दिल करता है कि मैं लोगों के बारे में जब सोचती हूँ सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि इंसान ने भगवान को बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। इंसान के अंदर इतने कचड़े भरे हुए हैं ना कि वो कचड़ों का कोई अंत ही नहीं है। शायद जब इंसान वो मरने लगता है ना स्थिति, तभी जाकर शायद कहीं खत्म होता, वो भी उस समय भी जो उसके पीछे जो लोग होंगे ना वो भी उसको निभाते होंगे। तो ये होता है, तो क्यों करना, हमको समझ में ये बात नहीं आती है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।